हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल m&yconstruction andtech। बनाना है अच्छा मकान तो ज़रूरी है हाउस प्लान। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर दोबारा हाजिर हुए हैं एक बार लेकर न्यू प्लान, जिसके साइज़ की बात करें तो ये 24x60 का प्लान है। इस प्लान में हम आपको काफ़ी अहम जानकारियाँ देंगे, जैसे कि हम आपको बताएंगे कि इस प्लॉट के अंदर, इतने बड़े प्लॉट के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए एंड कितनी कॉस्ट में ये तैयार हो जाएगा बनकर। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और स्किप ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। 9 फिट 4 इंच का इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस होती है हमारी कार पार्किंग के लिए। कार पार्किंग की बात करें तो 9 फिट 9 इंच बाई 17 फिट 8 इंच की कार पार्किंग है। हम अपने बड़े से बड़े साइज़ की कार वगैरह यहाँ पार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है यहीं से हमारे स्टेयरकेस के लिए। स्टेयरकेस की साइज़ की बात करें तो ये 3.25 फिट चौड़ा स्टेयरकेस है। 10 इंच की इसकी ट्रेड है। राइजर जो रहेगा वो 7.5 इंच ही रहेगा। यहाँ हमारे आते आते 7 फिट की हाइट हो जाएगी एंड यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर इस चौकी के नीचे, लैंडिंग के नीचे हम एक अपना टॉयलेट बना सकते हैं जो अपने गेस्ट के लिए यूज़ रहेगा फ्रेंड्स। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने 2x2 का वेंटिलेटर दिया है, तो यहाँ से इसके फॉल स्मॉल पास हो जाए ही इस वेंटिलेटर के थ्रू। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी गेस्ट रूम के लिए। गेस्ट रूम की बात करें, ड्राइंग रूम की बात करें, तो ये 13 फिट बाई 13 फिट 7 इंच का ये काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने 4x4 की 2 विंडो दी हैं, एक इस साइड दी है, एक इस साइड दी है, तो क्रॉस वेंटिलेशन के जरिए काफ़ी सुकून रहेगा एंड फ्रेंड्स सनलाइट एंड नेचुरल एयर आती रहेगी। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी, यहाँ बाहर से ही एंट्री होती है हमारे लॉबी एरिया के लिए एंड यहाँ से भी एंट्री रहती है लॉबी एरिया के लिए। तो लॉबी एरिया की साइज़ की बात करें तो ये 14 फिट 10 इंच बाई 15 फिट 10 इंच का ये लॉबी है, जिसमें हम डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं अपनी एंड यहाँ सोफा सेट वगैरह लगा सकते हैं, टीवी यूनिट यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने 4x4 की एक विंडो इस साइड दी है, जो यहाँ से वेंटिलेशन होता रहेगा एंड यहाँ हमने वॉशिंग एरिया जो दिया है वो 8 फिट 4 इंच बाई 3.5 का ये वॉशिंग एरिया था, यहाँ से भी सनलाइट और एयर आती रहेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी किचन के लिए। किचन के साइज़ की बात करें तो ये 8x12 का किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है फ्रेंड्स। यहाँ अपने फ्रिज वगैरह भी लगा सकते हैं हम इसमें और सिंक यहाँ सेट कर सकते हैं, गैस स्टोव यहाँ लगा सकते हैं। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने 5x4 की एक विंडो दी है, जिससे इसका वेंटिलेशन होता रहेगा, जो भी स्मोक वगैरह धांस वगैरह जो भी आती है हमारी वो यहाँ से पास आउट हो जाएगी इस ओटीएस के थ्रू। नेक्स्ट एंट्री होती है फ्रेंड्स हमारी बेडरूम नंबर 1 के अंदर। बेडरूम नंबर 1 की बात करें तो ये 11 फिट 5 इंच बाई 12 फिट 6 इंच का ये बेडरूम है, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। डबल बेड यहाँ सेट कर सकते हैं, कवर्ड हमारी यहाँ लग जाएगी एंड इसके वेंटिलेशन के लिए हमने 3 फिट 10 इंच बाई 4 फिट की एक विंडो दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा एंड यहीं से हमने एक डोर दिया है, तो गार्डन का व्यू लेने के लिए गार्डन में भी आ सकते हैं टहलने के लिए फ्रेंड्स। गार्डन के साइज़ की बात करें तो गार्डन भी काफ़ी बड़ा है, 7 फिट 6 इंच बाई 13 फिट 4 इंच का गार्डन है, काफ़ी अच्छा गार्डन व्यू रहेगा और ठंडी एयर आती रहेगी। यहाँ से एंट्री होती है हमारे वॉशरूम के लिए। वॉशरूम की बात करें तो 7 फिट 6 इंच बाई 4 फिट 6 इंच का ये टॉयलेट है, जिसमें 2x2 का वेंटिलेटर दिया है, तो इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ से वेंटिलेटर है, वेंटिलेशन होता रहेगा। ये टॉयलेट जो है काफ़ी इसके लिए अटैच दिया है हमने फ्रेंड्स। यहीं से हमारी एंट्री सेकंड बेडरूम के लिए होती है। सेकंड बेडरूम की बात करें तो 11 फिट 4 इंच बाई 12 फिट 6 इंच का ये बेडरूम है, 1 फिट 6 इंच का ये हमने इसमें कवर दिया है, तो यहाँ अपने कवर वगैरह लगा सकते हैं, टीवी यूनिट यहाँ सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने। यहाँ हमने इसमें अटैच टॉयलेट दिया है, तो इसमें ये टॉयलेट जो है वो 4.5x7.5 का ये टॉयलेट है। 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है, इसके थ्रू यहाँ से वेंटिलेशन होता रहेगा, जो भी स्मेल वगैरह होगी पास आउट हो जाएगी और इस वेंटिलेटर के थ्रू। नेक्स्ट फ्रेंड्स एंट्री हमारा जो है ये काफ़ी अच्छा प्लान रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस कराना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर इसके चेंज को दे सकते हैं करके। इसमें जो कॉलम आने वाले हैं, तो कॉलम की जिस बात करें तो ये 18 कॉलम इसमें 9x9 का रहेंगे, जो कि सफिशेंट साइज़ है। इसमें 12x4 सरिये हम दे सकते हैं इसके अंदर एंड इसके जो कॉस्ट रहेगी फ्रेंड्स, इसके 16 लाख रुपये में तैयार हो जाएगा फुल फिनिशिंग के साथ। तो आशा करते हैं ये जानकारी पाकर काफ़ी अच्छा रहे हो और लगा होगा आपको। अगर इसी तरीके के प्लान पाने के लिए और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
अपना ख्याल रखें. जय हिंद, जय भारत.